الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه صدق الله العظيم محترم ومحتشم الذين سامعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومغفرته अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान मुबारक की बाबरकत सातें चल रही हैं और दो अशरे मुकम्मल हो चुके हैं। तीसरा अशरा जहन्नुम से और दोज़ख से आज़ादी का अशरा है। प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया व आखिरुहु इत्कुम मिनन्नार, यानी आखिरी अशरा जो है वह जहन्नुम से आज़ादी का है। अज़ीज़े किराम, हर ईमान वाला इस तगोदोह में है, इस कोशिश में है, इस तरह मनाजात कर रहा है रब की बारगाह में कि सुबहानअल्लाह के रब्बुल आलमीन उसे जहन्नुम से आज़ादी नसीब फरमा दे, उसे दोज़ख से आज़ादी नसीब फरमा दे। नाज़रीन किराम, उसके लिए जहाँ हुकूकुल्लाह में भरपूर अंदाज से कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में मनाजात कर रहे हैं, गिर गिरा रहे हैं और इसी तरह रात को जो है हम कसरत से इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, तरावीह का अहतमाम कर रहे हैं और तमाम इबादात कर रहे हैं, यकीनन नाज़रीन किराम वहीं पर हमें हुकूकुल इबाद की जानिब भी मुतवज्जे होना है। नाज़रीन किराम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस मुबारका, अगर हम इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह रज़ी इसकी बरकत से हम अपने 21वें रोज़े की हिफाज़त कर सकेंगे कि प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे बंदो, ए ईमान वालो, तुम ये कोशिश करो कि तुम मोमिन को मुनाफिक से बचाओ। यानी कि प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जहाँ जिसकी कहीं पर गीबत हो रही हो तुम उस गीबत करने वाले को भी बचाओ और जिसकी गीबत हो रही है उसको भी बचाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला सुबहानअल्लाह क़यामत वाले दिन सुबहानअल्लाह। अलबरका ट्रस्ट का मंशूर, आओ गम समेटें खुशियाँ बांटें। अलबरका वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल ने पैदाइश की खुशी से लेकर मौत की गमी तक इंसानी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए यतीमों, बेवाओं, बेसहारों, जरूरतमंदों और सफेद पोशों की मदद को इबादत समझते हुए इस अजीम फरीजे को सरंजाम दे रही है। सिंध और बलूचिस्तान में अलबरका ट्रस्ट आपकी जकात, अतियात और सदकात की बदौलत इन्हें तनहा नहीं छोड़ता और इनकी जरूरियात को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। महाना डोर टू डोर फूड पैक्स की फराहमी के साथ साथ रमजानुल मुबारक में हजारों मुस्तहकीन के लिए स्पेशल फूड पैक्स सहर अफ्तार का एहतमाम किया जाता है। आप भी अपनी जकात अलबरका ट्रस्ट को दीजिए। राब्ता कीजिए 01216773999। तुम्हारे गोश्त को, तुम्हारे जिस्म को जहन्नुम से दूर कर देंगे, दोज़ख से दूर कर देंगे। और यहाँ तक के प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कोई अगर किसी पर तोहमत लगाए, किसी पर इल्ज़ाम तराशी करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नुम के पुल पर खड़ा करेंगे और यहाँ तक के उसको उसकी सज़ा मिलेगी और सज़ा मिलने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसे वहाँ से पाक साफ करके फिर उसे जहन्नुम से निकाल कर उसे जन्नत में दाखिल कर देंगे। अदने कराम, आज मेरे माशरे के अंदर चाहे मर्द हैं चाहे ख़वातीन हैं, वो तोहमत लगाना, गीबत करना ये एक बहुत मामूली सी बात समझते हैं। नाज़रीन किराम, यकीन जानिए अब तो अफसोस के साथ ये मामला हो चुका है कि ना तो हम जिंदों को छोड़ रहे हैं और ना तो मुर्दों को छोड़ रहे हैं, जो दुनिया से जा चुके हैं, जो कब्रों में जा चुके हैं हम उन्हें भी नहीं छोड़ते। तो इसलिए खुदा रा इस बुरे अमल से अपने आप को बचाइए। ये एक ऐसा बुरा अमल है जो माशरे के अंदर नफ़रतों को जन्म ले रहा है, मोहब्बतें ख़त्म होती चली जा रही हैं, ख़ानदान के ख़ानदान टूटते चले जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जहाँ हुकूकुल्लाह के ज़रिए हम अपने रोज़ों की हिफाजत कर रहे हैं, अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं, वहीं हमें हुकूकुल इबाद के ज़रिए भी अपने रोज़ों की
और अपने इबादात की हिफाजत करने की तौफीक नसीब फरमाए। अदरी कराम इंशाल्लाह अज़ीज़ 22वें रोज़े के कौन से आमाल हैं जिसके बदौलत इंशाल्लाह अज़ीज़ हम अपने 22वें रोज़े की हिफाजत कर सकेंगे, उसका जिक्र इंशाल्लाह अज़ीज़ कल की नशस्त में करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Mm-hmm.